अनामिका मिश्रा। जो हमने प्रीवियस क्लासेस देखी थी उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको कवर कर लिया है। कुछ हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था वो भी मैंने करा दिए थे, और जो ऑब्जेक्टिव था जैसे मतलब ट्रांसफार्मर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं, या फिर कॉम्पिटिशन लेवल पर भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आईटीआई से रिलेटेड, अगर आईटीआई के बेस पर अगर आप कोई कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को मैंने एमसीक्यू के थ्रू बता दिया था। आगे और भी आपकी क्लासेस रहेंगी जो कि एमसीक्यू की रहेंगी, बट आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक मशीन पढ़ रहे हैं और मशीन का आपका फर्स्ट टॉपिक था ट्रांसफार्मर। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डीसी मशीन से, ठीक है। देखिए ये आपका सेकेंड टॉपिक चलने जा रहा है, यानी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डीसी मशीन। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि ट्रांसफार्मर हमारा एसी पे वर्क कर रहा था, अब हम डीसी मशीन, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर जो डीसी पर वर्क करेगा हम अब उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा डीसी, डीसी का मतलब आप लोग समझते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का वेवफॉर्म कैसा होता है, ऐसा होता है मतलब कि ये कांस्टेंट होता है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ बदलता नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, और एसी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, और डीसी में ऐसा नहीं होता है। अब है मशीन, मशीन में दो पार्ट हैं, एक है हमारा मोटर और दूसरा है हमारा जनरेटर। यहाँ से हम दो टॉपिक को देखेंगे। अब देखिए जब हम डीसी मशीन पढ़ेंगे तो मोटर और जनरेटर अलग अलग सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो दोनों अलग अलग हैं। बट अगर हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो सेम ही होती हैं। तो आज हम लोग डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और जनरली हम लोग डीसी जनरेटर की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था डीसी जनरेटर, जिसमें हम लोग देखें ये क्या करता है डीसी जनरेटर का। अच्छा, जनरेटर वर्ड अगर साथ में जुड़ा हुआ है तो इसका काम क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अगर हम मोटर की बात करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा डीसी मोटर क्या करता है, तो डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए हम कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपका क्या होगा, ये आपका मान लीजिए कोई रोटर है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका रोटर का पोर्शन है। मतलब कि इस ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपका रोटर का पोर्शन है। दो चीजें होती हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। स्टेटर जो होता है वो एक स्टेशनरी पार्ट होता है, और रोटर क्या होता है वो एक रोटेटिंग पार्ट होता है। लेकिन हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा ना वहाँ पे दो वाइंडिंग होगी, एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी जो हम आर्मेचर पे करेंगे जो कि रोटेट करेगा। तो यहाँ पर रोटर कौन है, आर्मेचर है, और स्टेटर पर हम फील्ड वाइंडिंग करेंगे जो कि स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रोटर कौन हुआ, आर्मेचर है, जिसपे हम आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे जो कि रोटेट करेगा यानी कि घूमेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर कार्बन ब्रश बना दिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था, बताया नहीं होगा, आज बता देना, जो ब्रश होते हैं वो कार्बन के ही बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आंसर आता है कि बताइए ब्रश कॉपर का बन सकता है, तो बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम कार्बन के बनाएंगे, ग्रेफाइट का भी बना सकते हैं।
लेकिन यूज नहीं हो सकते क्योंकि उसमें वो गुण नहीं होते जो कार्बन में होते हैं। किसी का मेल्टिंग पॉइंट अच्छा नहीं होगा, किसी का कुछ अच्छा नहीं होगा, तो जो एक परफेक्ट होता है वो कार्बन ही होता है। इस वजह से जो ब्रशेस बने होते हैं वो हम कार्बन के ही बनाते हैं। उसके बाद देखें, ये हमारा ये फ्लक्स जो होते हैं वो आपस में कट करते हैं, ये क्या बन रहा है हमारा आर्मेचर। अभी हम सारे नाम लिख देंगे, इनके बीच में क्या है आर्मेचर कंडक्टर है, ये क्या है आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर है, ठीक है। अभी हम लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या चीज क्या है, अगर आप भूल रहे होंगे तो आपको याद ही रहेगा ये। अब देखिए, ये तो हमारा आर्मेचर कंडक्टर था। अब एक इसका बाहरी भाग जो होगा जिसपे हम वाइंडिंग करेंगे, पेरिफेरल वाइंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे पोल शू बने होंगे, ये क्या है आपके पोल शू है, ऐसे ऐसे। ये जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है सिलेंड्रिकल शेप में, ये क्या है, यही हमारा पोल शू है। यहाँ पे भी एक रहेगा ऐसे, ये ऐसे, जिसको हम ऐसे करेंगे, इसी पे हमें बाइंडिंग करनी है। बाइंडिंग कैसी होगी, क्लॉक वाइज होगी, ऐसे बाहरी पोर्शन है उसको सपोर्ट करने के लिए एक योक बना होता है। ये क्या है हमारा योक, ठीक है। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, सर्किल सीधा नहीं बन रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये पता है जो पहले आईटीआई के थ्योरेटिकल एग्जाम होते थे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप ऐसा बनाकर दिखाइए, डीसी मशीन की संरचना बनाकर दिखाइए, ठीक है। अब तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने लगे हैं, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या है कि आपसे पूछ देगा कि बताइए ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, डीसी जनरेटर से अगर संरचना की बात की जाए तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपका बन के तैयार हो गया डीसी जनरेटर। अब देखिए ये क्या है हमारा आई बोल्ट, इसको क्या कहते हैं आई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहे, ये क्या है आई बोल्ट, आई बोल्ट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स। ये क्या है हमारा योक, योक, ठीक है। अब हम टर्मिनल बॉक्स के थ्रू, मतलब जो बाहर से हम सोर्स दे रहे हैं ना, डीसी सोर्स देंगे ना, उस सोर्स को हम यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। ये आया हमारा, पहले तो हम इस पर बाइंडिंग कर दे रहे हैं ऐसे ऐसे, ये बाइंडिंग हो गई हमारी। किस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बाइंडिंग कर देंगे। ये यहाँ से सोर्स जुड़ा और ये ऐसे आया, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हुआ। हम आपको एग्जैक्ट बाइंडिंग करना नहीं बता रहे, वो तो बहुत ही अलग रूल होता है, जिसमें पोल और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें बताई जाती हैं।
लेकिन हम यहाँ पे जनरली तौर पे बता रहे हैं कि वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये आया है, ये ब्रशेस के ब्रश में भी वाइंडिंग होगी, यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगा, ये ऐसे इसको ऐसे करके ये ब्रशेस कनेक्ट हो जाएंगे और एक वायर जो होता है वो इसमें जाएगा, ऐसे करके कनेक्शन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन जो है जिसपे हम वाइंडिंग कर रहे हैं इसको हम कहेंगे पोल, क्या कहेंगे पोल। ये क्या हमारा पोल है। उसके बाद ये जो ये वाला शेप है ये क्या है, पोल शू है, पोल शू है। अभी हम आपको बताएंगे सबका काम क्या क्या है, ठीक है। ये क्या है हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर में हम कौन सी वाइंडिंग करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। आर्मेचर यहाँ पे एज अ रोटर वर्क करेगा, मतलब कि वो घूमेगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, आर्मेचर के कंडक्टर है, आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर है। ये क्या है, ये बस ऐसे जनरली सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि मतलब ऐसा होता है ना, कोई भी मशीन है उसको डायरेक्ट ऐसे तो नीचे रखी नहीं जाएगी, नीचे से थोड़ा सा अगर उसे सपोर्ट दिया जाएगा तो वो प्रॉपर वे में लगेगा, तो वो बस ऐसे सपोर्ट देने के लिए। तो हम ऐसे सपोर्टिंग लिख दे रहे हैं, सपोर्टिंग। और ये क्या है हमारा ब्रश है, ब्रश है, किसका बना हुआ है, कार्बन का, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कार्बन का, ठीक है। ये क्या है हमारा कम्यूटेटर है, यहाँ से ऐसे कम्यूटेटर है, ठीक है। कम्यूटेटर, अब आपको हम सारी चीजें बता चुके हैं। देखिए ये एग्जैक्ट आपके सामने डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है, यानी डीसी मशीन की संरचना मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें अब हम एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं कि सबसे पहले क्यों और क्या यूज होता है। देखिए सबसे पहले ये क्या है हमारा योक का पोर्शन है, ठीक है। योक, योक का काम क्या होता है, योक जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए योक किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है या फिर कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। इस कास्ट आयरन और कास्ट स्टील दो चीज का योग बना होता है। योग का सबसे मेन काम होता है ये चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पथ प्रदान करता है, क्या करता है ये चुंबकीय, यहाँ पे लिख रहे हैं हम चुंबकीय बल रेखाओं के लिए, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पथ प्रदान करता है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पथ प्रदान करता है। और दूसरा काम क्या होता है, ये पूरे अंदर की जितनी भी बाइंडिंग और कंस्ट्रक्शन है उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, मतलब कि सुरक्षा देता है। तो हम कह सकते हैं कि योग का दूसरा काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। तो हमने दो चीज़ें जानी योग के बारे में, योग का पहला काम क्या है, ये बना किसका होता है, कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का बना होता है, ये चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पथ प्रदान करता है, और दूसरी बात है कि ये भीतरी भाग जो होते हैं उनको ये बाहर से मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए क्या हो गया आपका योग का काम हो गया, टर्मिनल बॉक्स में क्या होगा, हम सप्लाई देंगे, टर्मिनल बॉक्स का मतलब तब समझते ही हैं जहाँ पे टर्मिनल निकले होंगे उससे अंदर हम वाइंडिंग को सप्लाई देंगे। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल बॉक्स। अब आते हैं कम्यूटेटर पे, कम्यूटेटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डीसी मशीन में, जो डीसी की रचना करता है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो डीसी की रचना करता है। ये मिल बना किसका होता है, कॉपर हाइड्रॉन, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर
कॉपर हाइड्रॉन गोलाकार पोर्शन होता है, ये गोलाकार है, गोलाकार पोर्शन में कॉपर हाइड्रॉन की सेगमेंट का बना होता है जिसको माइका के द्वारा इंसुलेट कर दिया जाता है। देखिए कॉपर हाइड्रॉन की सेगमेंट, कॉपर हाइड्रॉन की सेगमेंट का बना होता है जो माइका के द्वारा इंसुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, इंसुलेट कर दिया जाता है, माइका के द्वारा इंसुलेट कर दिया जाता है। तो दो चीज़ें आप कम्यूटेटर के बारे में जानें। कम्यूटेटर जो होता है वो गोलाकार हाइड्रॉन कॉपर की सेगमेंट का बना होता है जो कि माइका के द्वारा आपस में इंसुलेट कर दिया जाता है। और दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डीसी की रचना करना, ये डीसी बनाता है। ठीक है, कम्यूटेटर और स्लिप रिंग दो चीज़ें होती हैं। कम्यूटेटर डीसी बनाता है, एसी टू डीसी चेंज करता है, और स्लिप रिंग जो होती है वो डीसी टू एसी चेंज करती है। तो हम यहाँ पर डीसी हमें बनाना है तो हम कम्यूटेटर लगाए, और जब आप एसी मशीनें पढ़ेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे और थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, अल्टरनेटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम स्लिप रिंग का यूज़ करेंगे। स्लिप रिंग क्या करेगा, डीसी को एसी में चेंज करेगा, मतलब वो एसी की रचना करेगा। दो पार्ट क्लियर हुआ। फिर हम आते हैं पोल जिस पर वाइंडिंग की जाती है, सिंपल। उसके बाद है पोल शू। ये देखिए, ये जो ऐसे वाला सिलेंड्रिकल वाला शेप जो है वो होता है हमारा पोल शू। पोल शू का काम क्या होता है, पोल शू का कार्य एक साथ चुंबकीय रेखाओं को एक समान फ्लक्स का रास्ता प्रदान करना, एक समान, और ये लैमिनेटेड पोल होते हैं। ठीक है, पोल शू जो होते हैं वो लैमिनेटेड होते हैं। इनका काम क्या है, पोल शू का काम है, यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहे हैं, समझिएगा, ये पोल शू का लिख रहे हैं, एक समान चुंबकीय बल रेखाओं को एक समान, देखिए एक समान, ये योग का काम क्या है, एक समान चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पथ प्रदान करना, और इसका काम क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं को एक समान फ्लक्स का रास्ता देना, एक समान फ्लक्स का रास्ता प्रदान करना, एक समान चुंबकीय बल रेखाओं को एक समान फ्लक्स का रास्ता प्रदान करना, इसका काम है पोल शू का काम है। ठीक है, इस पर हमने बाइंडिंग भी की हुई है, इसीलिए इसको इस शेप में बनाया गया है। उसके बाद आते हैं हम आर्मेचर पर। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर जैसे आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है जिसको पतली पतली पट्टियों के द्वारा लैमिनेट कर दिया जाता है, जिसकी मोटाई 0.3 से 0.5 एमएम तक रखी जाती है। क्यों, क्योंकि ये ईडी करंट लॉस को कम करता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आर्मेचर जो होता है वो किसका बना होता है, आर्मेचर का काम यहाँ पे रोटेट करना है यानी घूमना है, इस पर हम आर्मेचर बाइंडिंग कर देंगे। किसका बना होगा, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, इसको भी लैमिनेट कर दिया जाता है। लैमिनेट क्यों किया जाता है, ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। और इसकी मोटाई कितनी रखी जाती है, यहाँ पर देखिए मोटाई चेंज हो जाएगी, 0.5 से एमएम से लेकर के 0.6 एमएम तक होगी, चाहे इसको 0.35 एमएम से 0.6 एमएम तक होगी आर्मेचर की मोटाई, सिलिकॉन स्टील के द्वारा लैमिनेट कर देंगे। क्यों करेंगे, ये ईडी करंट लॉस को कम करेगा, इसलिए। ये चीज क्लियर हुआ। अब आर्मेचर के कनेक्टर हैं, ठीक है, कनेक्टर तो आप समझते हैं। ब्रश जो होता है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, करंट को कलेक्ट करना। ठीक है, ये करंट को कलेक्ट करके कम्यूटेटर को देता है, यहाँ पर लिख रहे हैं करंट को एकत्र करना, किसका काम है, ब्रश का काम है, यानी कि कार्बन ब्रश का काम है। ठीक है, यानी करंट को एकत्र कौन करेगा, कार्बन ब्रश करेगा, मोटर में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। फिर ये हमारा सपोर्ट के लिए बना हुआ है,
बस इतना ही था। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हैं पार्ट्स हैं, ये आपको बताते हैं कि डीसी मशीन की संरचना किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वाइंडिंग बचा हुआ है, वाइंडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप इतना ही जानिए कि कम्यूटेटर क्या होता है, पोल शू क्या होता है, आर्मेचर कैसा होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कम्यूटेटर का कार्य बताइए, पोल शू का कार्य बताइए, और किस तरह ऐसे कोई डायग्राम बना के दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें आर्मेचर कहाँ पे है, कम्यूटेटर कहाँ पे है, ब्रश कहाँ पे है, ब्रश किसका बना होता है, ब्रश का काम क्या होता है, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे बाइंडिंग किस कितनी प्रकार की होती है, बाइंडिंग कैसी होती है। तब तक के लिए थैंक यू।